हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कल बेटा हम कर रहे थे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। कार्बन की कुछ प्रॉपर्टीज को पढ़ा था और कार्बन के द्वारा बनाए जाने वाले बहुत सारे कंपाउंड्स के बारे में किया था। और हमने उसके अंदर शुरू किया था कि हाउ द कार्बन इज एबल टू फॉर्म सच लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स। सो द टू प्रॉपर्टीज विच आर एसोसिएटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स बाय कार्बन आर, वो दो कौन कौन से गुण थे बेटा? देवर, यस, कैटेनेशन एंड टेट्रावेलेंसी। उसके बाद हमने शुरू किया था IUPAC नेमिंग, IUPAC सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर का काम शुरू कर दिया था। नोमेनक्लेचर मींस नेमिंग ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेमिंग ऑफ साइंटिफिक कंपाउंड इन साइंटिफिक मैनर। तो ये जो काम किया हमने इसके अंदर, इसमें हमने जो फॉर्मूला यूज किया था वो फॉर्मूला क्या था? दैट वाज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू राइट वर्ड रूट फॉर एनी कार्बन कंपाउंड, फॉलोड बाय क्या था उसमें? पीएस प्राइमरी सफिक्स, एसएस सेकेंडरी सफिक्स एंड लास्ट इज प्रीफिक्स। जो आप लोगों के लेवल में है वो ये चार पॉइंट है। सबसे पहले कार्बन कंपाउंड में किसी का भी नाम लिखना हो तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वर्ड रूट। उसके बाद में क्या लिखोगे? सेकंड नंबर पे प्राइमरी सफिक्स। उसके बाद क्या लिखोगे आप? थर्ड नंबर पे सेकेंडरी सफिक्स, इफ इज देयर। ये आपको अच्छे से याद हो गया होगा कि इन दो नाम के बिना किसी भी कार्बन कंपाउंड का कंप्लीट नेम नहीं हो सकता। सो एवरीवेयर, एनीवेयर, व्हेनेवर यू हैव टू नेम अ कार्बन कंपाउंड एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, देयर शुड बी दीज टू स्टेप्स। ये दो चीज तो उसमें होनी ही चाहिए। उसके बाद दिस मे बी इन्वॉल्व, दिस मे बी इन्वॉल्व। सो लेट्स हैव अ रीकैप ऑफ यस्टरडेज इवेंट्स। सपोज इन एनी कार्बन कंपाउंड लाइक दैट, नाउ वी आर हैविंग दिस एग्जांपल। अब आपको बता दें कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? चार। तो चार में से एक वैलेंसी तो आगे चली गई, मतलब एक बॉन्ड आगे बना लिया, तो दो वैलेंसी बच जाती किसी कार्बन की, दे आर सेटिस्फाइड बाय यूजिंग हाइड्रोजन। तो तीन बची तो कितने हाइड्रोजन आ गए? तीन। इस कार्बन को देखिए, अब इसने कितने बॉन्ड बना लिया बेटा? एक पीछे बना लिया, दो आगे बना लिए, तो टोटल तीन बना लिए, तो एक बच गया, राइट वन। इस कार्बन के ऊपर देखो, एक इसने आगे बॉन्ड बनाया, दो इसने पीछे बना लिए, तो कितने बच गया वैलेंसी? एक बच गया। ऐसे लास्ट वाले कार्बन के ऊपर आ जाओगे तो यहाँ बनाओगे तो थ्री। ये हो गया कंप्लीट एग्जाम्पल हमारे पास में। नाउ यू हैव टू स्टार्ट इट्स नेमिंग। सो द IUPAC नेम फॉर दिस कंपाउंड विल बी क्या हो जाएगा? सबसे पहले आप क्या लिखोगे? वर्ड रूट। और वर्ड रूट का मतलब क्या था? नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द कंपाउंड। इस कंपाउंड में कितने कार्बन एटम को लिखना है? सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर देयर? फोर। तो फोर का लिस्ट में आपके पास देखो क्या नाम था? यस, द नेम इज ब्यूट। प्लस आफ्टर दैट, तो सबसे पहला तो क्या हो गया आपका? वर्ड रूट। वर्ड रूट किसके लिए था? फॉर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, कार्बन एटम। और ये किसके लिए होता है? बॉन्ड बिटवीन दीज कार्बन एटम्स, इन कार्बन एटम्स बॉन्ड कैसे है वो लिखना था आपको। अब देखो इन कार्बन एटम्स के अंदर आप देख सकते हैं टू टाइप ऑफ बॉन्ड, दो बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड। तो आपके मन में ये आता होगा सिंगल बॉन्ड के लिए तो आपने क्या नाम लिखा था? ए। डबल बॉन्ड के लिए क्या हो जाएगा? ई। तो आप ये सोचोगे कि एन भी लिखो और ई भी लिखो, नहीं, दोनों ही टाइप के बॉन्ड नहीं लिखने हैं। जब आपके पास सिंगल बॉन्ड है चेन के अंदर सारे, तब आपने ए लिखना। अगर ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बॉन्ड, देन ओनली यू हैव टू राइट ए। और अगर सिंगल बॉन्ड के अलावा कोई और बॉन्ड आ गया तब फिर आप ए नहीं लिखो। मतलब एट दैट टाइम सिंगल बॉन्ड इज नॉट रिटन, इट इज नॉट शोन इन द नेम। तो फिर किसको लिखना है? फिर सिंगल बॉन्ड के अलावा जो बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड आ रहा है तो उसको लिखना है, ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसका लिखना है, और दोनों अगर आ रहे हैं तो दोनों के लिखना है। पहले डबल बॉन्ड को लिखोगे फिर ट्रिपल बॉन्ड को लिखोगे। तो क्या एग्जांपल बन जाएगा? यू हैव टू राइट हियर ई, दिस ई इज व्हाट? पीएस। तो अब आपने इस कंपाउंड के अंदर मिलने वाली सब चीजों के नाम लिख दिए, कार्बन के नाम लिख दिए, उनमें मिलने वाला बॉन्ड भी लिख दिया है। अब आप इनको कंबाइन करके लिखोगे, प्लस हटा दो इनके अंदर से, तो क्या नाम बन गया? ब्यूट ई। सो द नेम इज ब्यूटी, इस तरह से नाम। ये एक एग्जांपल है। अब दूसरा एग्जांपल ले लो, एक ऐसा एग्जांपल जिसमें डबल बॉन्ड भी हो, सिंगल बॉन्ड भी हो, ट्रिपल बॉन्ड भी हो। नाउ लेट अस कंसीडर 1, 2, 3, 4, 5, इस तरह से हमने इस एग्जांपल में 6 कार्बन, और यहाँ इसमें डबल बॉन्ड हो गया, सपोज इसमें ट्रिपल बॉन्ड हो गया। नाउ यू कंप्लीट द बैलेंसेस ऑफ कार्बन बाय यूजिंग हाइड्रोजन।
इस कार्बन बेटा कितने बॉन्ड बना लिए हैं, आगे एक, तो कितने बच गए तीन, तो पीछे तीन हाइड्रोजन लगा दो, तीन बॉन्ड इसने बना लिए, एक हाइड्रोजन, इसने तीन बॉन्ड बना लिए हैं तो ये हाइड्रोजन, इसने 1 2 3 4 चार बॉन्ड बना लिए तो देयर विल बी नो हाइड्रोजन। इस कार्बन के साथ देखो 1 2 3 4 चार हो गए तो नो हाइड्रोजन। इस कार्बन ने एक ही बॉन्ड बनाया पीछे की तरफ, बाकी बॉन्ड इसके बचे हुए तो बाकी जगह पर क्या आ गया, तीन हाइड्रोजन। नाउ यू स्टार्ट राइटिंग आईयूपीएसी नेम, आईयूपीएसी, तो इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? यस, सबसे पहले क्या लिखना है, वर्ड रूट, सबसे पहले और वर्ड रूट किसको दिखाता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम। सो हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट, कितने कार्बन एटम इसमें, 6, तो 6 का नाम देखो क्या है उसमें, यू विल फाइंड इट हेक्स, तो 6 का नाम क्या हो गया, हेक्स। अब इसमें देखो बॉन्ड बॉन्ड कौन से हैं, सिंगल बॉन्ड भी है, डबल भी है, सिंगल है, ट्रिपल है, सिंगल है। तो अभी आपको पता है सिंगल बॉन्ड के अलावा अगर कोई और बॉन्ड आ जाता है फिर सिंगल बॉन्ड का नाम नहीं लिखा जाता, सो यू नॉट नीड टू राइट ए, ए नहीं लिखना। उसके अलावा कौन सा बॉन्ड आ रहा है, डबल बॉन्ड भी आ रहा है और ट्रिपल बॉन्ड भी, तो डबल बॉन्ड को अगर आपने लिखना है तो क्या हो जाएगा, ई प्लस। अब कौन सा बॉन्ड आ गया, ट्रिपल, तो ट्रिपल बॉन्ड का भी नाम लिखना आपको आई। अब बात आती है इन दोनों में से पहले किसको लिखोगे, तो पहले डबल बॉन्ड का नाम आता है फॉलोड बाय ट्रिपल बॉन्ड का, तो अगर आप इनके प्लस को नाम प्लस के साइन को हटा दोगे तो नाम क्या बन जाएगा, हेक्स ई। अब ये दोनों वोवल्स हो गए तो ई हटा दो, वाई लगा दो इसके पास में, तो ये बन जाएगा लाइक दिस विल बी द कंप्लीट नेम, ये कंप्लीट नेम होंगे। क्लियर, यू कैन मेक सच एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ, अगेन मेक 10 एग्जांपल्स ऑफ दिस टाइप, कितने भी कार्बन लो उसमें कोई भी बॉन्ड दिखाओ एंड स्टार्ट मेकिंग द नेम इन दिस वे। नाउ लेट्स मूव टू सेकंड पार्ट, अब हम सेकंड पार्ट पर चलते हैं। सेकंड पार्ट इज, सेकंड पार्ट क्या है, मतलब ये दो काम खत्म हो गया हमारे पास, तो अगला पार्ट क्या बचा, एसएस, दैट इज एसएस मींस, एसएस मींस सेकेंडरी सफिक्स, क्या है ये, सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स ये क्या होता है, इट टेल्स अबाउट एफ जी, एफ जी के बारे में बताते हैं, एफ जी मीन्स फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताते। क्वेश्चन इज व्हाट इज फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप क्या होता है, तो फंक्शनल ग्रुप मे बी एन एटम, फंक्शनल ग्रुप कोई एक एटम हो सकता है और मे बी ग्रुप ऑफ एटम्स, फंक्शनल ग्रुप कोई एक एटम हो सकता है, ये एटम का कोई ग्रुप हो सकता है, विच वेन इंट्रोड्यूस टू ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिनको जब कार्बन कंपाउंड में लगा दिया जाता है तो चेंजेस द प्रॉपर्टी ऑफ द कार्बन कंपाउंड एंटायरली, उनके लगने से उस कार्बन कंपाउंड की प्रॉपर्टी पूरी तरह से बदल जाती है, सच एटम और ग्रुप आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स कंसीडर एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेते हैं, लाइक CH3, CH2, चलो इतना एग्जाम्पल CH3, क्या नाम होगा बेटा इसका, अगर आप नाम दोगे तो नेम विल बी, देयर आर टू कार्बन एटम्स, तो वर्ड रूट क्या हो गया, है प्लस, कैसा बॉन्ड है दोनों में सिंगल, तो क्या नाम आ जाएगा, एन, सो द नेम इज इथेन, ये हो गया। और इथेन क्या होती है, इथेन इज अ गैस, इथेन एक गैस होती है, जैसे हमारे घर में सिलेंडर होता है, सिलेंडर में गैस होती है, उस गैस की क्या प्रॉपर्टी होती है, बर्निंग का काम करती है, वो जो गैस है दैट गैस इज ब्यूटेन, वो गैस ब्यूटेन होती है, उस ब्यूटेन गैस का आपने फॉर्मूला और स्ट्रक्चर दोनों खुद बना, दैट विल बी योर होमवर्क, तो वो ब्यूटेन है। अब ब्यूटेन क्या है, अब देखो अगर आपको समझाएं शॉर्ट में, तो ब्यूट मींस फोर कार्बन एटम्स, ए मींस सिंगल, चार कार्बन एटम, चारों के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड, मतलब देयर इज नो डबल ट्रिपल, तो उसकी प्रॉपर्टी क्या है, बर्निंग की प्रॉपर्टी, उसमें जलने का गुण, तो ऐसा ही कैरेक्टर इथेन के अंदर है, इथेन इज आल्सो अ गैस व्हिच हैज कंबस्टाइल प्रॉपर्टीज, इसमें भी जलने का गुण होता है, तो ब्यूटेन, इथेन, प्रोपेन, इनमें कैसा गुण है, दे आर गैसिस्टेड एंड दे कैचेस फायर रेडी, बहुत तेजी से आग पकड़ते हैं, तो इनमें इनफ्लेमेबिलिटी का कैरेक्टर। अब देखो हमने क्या किया, इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा चेंज कर दिया, इसके बेटा जो तीन हाइड्रोजन है उन तीन हाइड्रोजन को हमने एक्सपेंड करके दिखाया,
हमने क्या किया, इसके एक हाइड्रोजन को यहाँ से हटा दिया और इसकी जगह पर OH नाम का एक फंक्शनल ग्रुप लगा दिया। दिस OH इज अ फंक्शनल ग्रुप FG, ठीक है। तो ये जो हमने लगाया, दिस इज अ फंक्शनल ग्रुप, दिस इज FG OH। अब देखिए, सो द फॉर्मूला विल बिकम, इसका नया फॉर्मूला क्या बन जाएगा, दिस CH3-CH2CH2 और डैश OH। Now the name for this compound will be, क्या नाम होगा, बोलो तो फॉर्मूला। सो कितने कार्बन बेटा इसमें, 1, 2, इसको नहीं काउंट करना आपने, क्यों, क्योंकि ये ऑक्सीजन है, हमें तो किसको काउंट करना है, सिर्फ कार्बन कार्बन को। तो ये किसके लिए होता है, वर्ड ओनली फॉर कार्बन, तो इसके लिए क्या नाम हो जाएगा, एथ प्लस। अब देखो अगला वर्ड क्या आता है, पीएस, पीएस मींस बॉन्ड, यानी कि कार्बन और कार्बन में कैसा बॉन्ड है ना, कि कार्बन और ऑक्सीजन में, कार्बन किसी और एटम में नहीं, सिर्फ कार्बन और कार्बन एटम से, तो कैसा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। तो वर्ड वर्ड विल बी यूज ए प्लस। अब देखिए आप इसमें क्या हुआ कि इसके अंदर एक ग्रुप आ गया है, एक नया एलिमेंट आ गया, एक नई चीज आ गई इसके अंदर। तो ये जो नई चीज आई है, एक नया ग्रुप जो आपको दिख रहा है, दिस इज फंक्शनल ग्रुप, और ये फंक्शनल ग्रुप किससे दिखा रहे थे, एफ जी के नाम से, इसे एफ जी बोलते हैं। ये अदर देन कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई नई चीज आ जाती है तो वो क्या हो जाएगा, फंक्शनल ग्रुप हो जाएगा। इसी फंक्शन ग्रुप के नाम को हम बोलते हैं एसएस के नाम से, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। तो अब इस ओएच का जो फंक्शन ग्रुप है, इस ओएच का एसएस नेम, सेकेंडरी सफिक्स नेम जो होता है, दैट इज ओल, ओए। तो अब देखो तीनों चीजें वर्ड, तीनों चीजें यूज होंगी इसमें। सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन एटम जो उसमें है वो लिख दिया, फिर कार्बन एटम से मिलने वाला बॉन्ड वो लिख दिया, उसके अलावा अब इसमें कोई नई चीज जो आ गई है उसके बाद उसको आपने बाद में लिखना है, दैट इज सेकेंडरी सफिक्स। और वो सेकेंडरी सफिक्स क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप होता है। तो ये सेकेंडरी सफिक्स डेजिग्नेट किसको दिखाता है, सेकेंडरी सफिक्स फंक्शनल ग्रुप को दिखाता है, और हर फंक्शनल ग्रुप का अपना एक नाम होता है। जैसे बच्चे होते हैं, बच्चों के दो प्रकार के नाम होते हैं, एक जो उनको स्कूल में बोला जाता है, एक जो उनको घर में बोला जाता है। मान लो किसी का नाम है सुरेश कुमार और घर के अंदर उसको बोलते हैं सोने के नाम से, तो ऐसे जो फंक्शनल ग्रुप है बेटा इनके भी दो नाम होते हैं, एक जो सेकेंडरी सफिक्स के रूप में नाम लिखा जाता है उनका, जैसे OH है इसका सेकेंडरी सफिक्स नाम क्या हो गया, OL बोर। और ऐसे ही अगर अगर हम इसके नाम को लास्ट में ना लिखें और लास्ट में ना लिखने की बजाय हम पहले लिख दें, मतलब प्रीफिक्स के रूप में लिखें, तो इसका जो दूसरा नाम होता प्रीफिक्स नेम जो होता वो लिखा जाता है, इसका प्रीफिक्स नेम होता हाइड्रोजन। अगर आप इसको लास्ट में ओल नहीं लिखोगे तो मत लिखो, हटा दो इसकी जगह पर, अब आप लास्ट शुरू में ले आओ इसके नाम को, तो शुरू में ये ओल नाम ले आना, क्योंकि ये तो इसका लास्ट नाम है, लास्ट में लिखना हो सफिक्स के रूप में लिखना तो ये नाम, लेकिन अगर इसको आपने प्रीफिक्स के रूप में लिखना है तो इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोक्सी। तो अगर आपको ये नहीं लिखना है, इसके जगह हाइड्रोक्सी वर्ड यूज करना है, तो क्या नाम हो जाएगा, सबसे पहले आपको क्या बताया वो ये, सबसे पहले वर्ड रूट लिखना है, फिर आपने उसमें प्राइमरी सफिक्स लिखना है। अब बात आती है सेकेंडरी सफिक्स, जो फंक्शन ग्रुप है उसका नाम अगर आपको लिखना है तो लिखो, इफ यू डू नॉट वांट टू राइट सेकेंडरी सफिक्स फंक्शन ग्रुप का नाम तो प्रीफिक्स के रूप में ले आओ, तो प्रीफिक्स में इसका नाम क्या बताया था, हाइड्रोक्सी, तो क्या नाम हो जाएगा, हाइड्रोक्सी, ये बने प्लस। तो इसका कंप्लीट नेम क्या हो गया, हाइड्रोक्सी, हाइड्रोक्सी एफ ए हाइड्रोक्सी ई, ये नाम हो। क्लियर, सो देयर आर टू मेथड, दो तरीके बन गए, किसके एसएस के, किसके फंक्शन ग्रुप के, फंक्शन ग्रुप के दो नाम बन जाते हैं, कब, एक तो एसएस के रूप में और एक उसका प्रीफिक्स के रूप में। प्री मतलब पहले, फिक्स मतलब जोड़ना, मतलब पहले जोड़ना, तो किसी का नाम पहले जोड़ना तो अलग नाम है, सफिक्स सर फिक्स बाद में, जो बाद में फिक्स करना हो सर नेम की तरह फिक्स करना हो तो वो हो गए सफिक्स। नाउ अगेन लुक एट द एग्जांपल, इसी एग्जांपल को देखो, अगर हम इस नाम को जोड़ के लिखें तो नाम क्या बन जाएगा, कोई भी एफ ए ओ, ई हटा दो, दोनों ओवल आ गए तो ई हट जाता है, इसको जोड़ दो तो क्या नाम बन गया, इथेनॉल। और इथेनॉल क्या होती है, एक एल्कोहल, जैसे अभी आपको पता है इथेन वही दो कार्बन का जो कंपाउंड, इथेन के फॉर्म में तो गैस है, और वही दो कार्बन का कंपाउंड जब OH ग्रुप आ गया, सिर्फ एक हाइड्रोजन हटा उसकी जगह एक OH ग्रुप आ गया, उसके आते ही इथेन गैस किसमें बदल गई, इथेनॉल में बदल गई, इथेनॉल क्या है, एक एल्कोहल है, और एल्कोहल यानी कि यस
तो देखो एक फंक्शन ग्रुप, सिर्फ एक फंक्शन ग्रुप में चीज को इनफ्लेमेबिलिटी वाले कैरेक्टर से, गैस वाले कैरेक्टर से उठाकर किस में लगा दिया, लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। यानी कि फंक्शन ग्रुप एक बहुत ही पावरफुल चीज का नाम है जो जब कंपाउंड में आता है तो उसे कैरेक्टर्स को बदल देता है। यानी गैस था, जैसे ही इसके अंदर OH आया इसका कैरेक्टर ही बदल गया, इसकी प्रॉपर्टीज ही चेंज हुई। सो सच ग्रुप्स आर नोन एज, सच एलिमेंट्स आर नोन एज फंक्शनल ग्रुप्स। सो नाउ वी विल हैव अ लिस्ट ऑफ दीज फंक्शनल ग्रुप्स। अब आपको जो आपके सिलेबस में है उन फंक्शनल ग्रुप्स की एक लिस्ट बनाएंगे और उनके प्रीफिक्स नाम या सफिक्स नाम क्या होते हैं वो लिखेंगे। सो हियर वी आर डूइंग फंक्शनल ग्रुप। फंक्शन ग्रुप, ये फंक्शन ग्रुप जिनके नाम को हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट देयर नेम इन द फॉर्म ऑफ प्रीफिक्स और नॉट प्लस और सफिक्स, सफिक्स या इसको हम सेकेंडरी सफिक्स भी बोलते हैं। इनके नाम को हम इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां मैं लिख रहा हूं फंक्शन ग्रुप, यहां लिख रहा हूं उनका प्रीफिक्स नेम, प्रीफिक्स में उसके नाम क्या बोला जाता है, और यहां लिख रहा हूं उनका सफिक्स में, यानी कि सेकेंडरी सफिक्स के रूप में उनका क्या नाम होगा वो लिख। जो आपके सिलेबस में बेटा फंक्शन ग्रुप दे रखे हैं वो है, फर्स्ट इज हैलोजन। जो फर्स्ट फंक्शन ग्रुप दे रखा है आपको वो कौन सा है, हैलोजन। हैलोजन का सिंबल होता है एक्स, और इस एक्स के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, कौन कौन से एलिमेंट है वो है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन आर नोन एज हैलोजन्स। इनको हम हैलोजन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इनको हैलोजन? हैलो मीन सॉल्ट, जन का मतलब होता है जनरेट, हैलो मीन सॉल्ट, जन मीन्स जनरेट, यानी कि जो सॉल्ट बनाते हैं। तो जैसे क्लोरीन है सोडियम से लग गया तो क्या बना, NaCl, तो क्या बना दिया इसने, सोल्ट बना दिया। ऐसे फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन भी जुड़ जाए तो क्या करते हैं, सोल्ट बनाते हैं। इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं कॉमनली, हैलोजन। और इनका कॉमन सिंबल क्या है, एक्स। एक्स के अंदर क्या हो सकता है, इन चारों में से कोई भी एक हो सकता है, और आपने चारों में से एक ही लिख दिया तब तो फिक्स ही हो जाए। अब देखिए अगर हैलोजन का नाम आपको प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना हो, मतलब पहले लिखना हो, वर्ड रूट से पहले लिखना हो उनका नाम, तो हैलोजन का नाम होता है विद द फॉर्मूला हैलो, हेलो फॉर्मुलेशन का नाम होता है। मतलब जैसे फ्लोरीन है, फ्लोरीन को पहले आपने लिखना हो तो इसका क्या नाम हो जाएगा, फ्लोरो। अगर क्लोरीन है, क्लोरीन का पहले नाम लिखना हो तो क्या नाम बन जाएगा, क्लोरो। एंड सो ब्रोमीन का ब्रोमो, और आयोडीन का आयोडो, ये नाम हो जाएगा। और अगर सफिक्स के फॉर्म में लिखना हो, सफिक्स फॉर्म में लिखना हो मतलब हम चाहते हैं कि फंक्शन ग्रुप क्लोरीन आ गया, उसका नाम क्लोरो नहीं लिखना, सफिक्स के रूप में लिखना है, मतलब बाद में पीएस के बाद लिखना है, तो इसका नाम फिर आप क्या लिखेंगे, हैलाइड। इट विल बी रिटन बाय द कॉमन नेम हैलाइड, ये हो जाएगा, ठीक है। जैसे क्लोरीन है तो क्या नाम बन जाएगा, क्लोराइड। क्लोरीन है तो क्या नाम बन जाएगा, क्लोराइड। ब्रोमीन है तो क्या नाम बनेगा, ब्रोमाइड। एंड फॉर आयोडीन विल बी आयोडाइड, ये नाम। सो दिस वाज द फर्स्ट फंक्शन ग्रुप। ये पहले फंक्शन ग्रुप के बारे में बात हुई। फंक्शन ग्रुप के हमने बेटा दोनों नाम कर लिए, प्रीफिक्स फॉर्म में लिखना होता है ऐसे लिखेंगे, सफिक्स फॉर्म में लिखना होता है ऐसे लिखेंगे। नाउ लेट्स हैव एन एग्जांपल, इसका एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे CH3, CH2, CH2 और यहां हमने क्लोरीन लगा दिया, तो इसका क्या नाम बन जाएगा इस प्रीफिक्स फॉर्म के अनुसार। फिर हम बनाएंगे सफिक्स फॉर्म के अनुसार, क्या नाम प्रीफिक्स फॉर्म में बनाना है, तो सबसे पहले तो नाम कैसे लिखोगे आप, नंबर ऑफ कार्बन 1, 2, 3। ये जो सी है देखो, क्लोरीन के सी को लेकर कई बार कंफ्यूजन होती है, तो क्लोरीन का जो सी है ये सी एल मिलकर के क्लोरीन बना रहा है, कार्बन नहीं। कीप दिस पॉइंट, ये गलती करवा देता है, 1, 2, 3 कई बार इसको मिल लेते हैं, 4 को गलत हो जाता है, क्लोरीन का सी काउंट नहीं करता, तो क्या बन जाएगा 1, 2, 3। थ्री होकर क्या नाम बनेगा, प्रो प्लस। अब इन कार्बन अगले दिन कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड है, सिंगल, तो क्या नाम हो जाएगा, ए। अब ये क्लोरीन, क्लोरीन के हम दो नाम बना सकते हैं, या तो लास्ट में लिखना हो या पहले लिखना हो,
तो हम क्या करें, इसमें प्रीफिक्स फॉर्म यूज करें। तो क्लोरीन का प्रीफिक्स फॉर्म यूज करोगे तो प्रोब से पहले क्लोरीन का प्रीफिक्स नाम क्या है, क्लोरो। तो क्या बन जाएगा, इट इज क्लोरो। तो क्या नाम बन गया इसे कंप्लीट, इट इज क्लोरो फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल आफ्टर ऑल स्मॉल। प्लस हटा दो तो बन गया प्रो, इसका प्लस हटा दो जोड़ दो, क्या नाम बन गया, क्लोरोप्रोपेन। इस देश के लिए सो ये तो हो गया हमारा प्रीफिक्स फॉर्म है इसका एग्जांपल। अब देखो मान लो सफिक्स फॉर्म में, अगर हमारे ही नाम सफिक्स फॉर्म में बनाना तो बन जाएगा CH3CH2CH2 क्लोरीन। सफिक्स फॉर्म में ये नाम बनाना हो तो क्या बनेगा, स्टार्ट कर वर्ड वर्ड 1 2 3, तेरा 3 कार्बन, इट इज प्रो प्लस कार्बनों के बीच में बॉन्ड सिंगल ए प्लस। अब हम SS के रूप में इसको लिखना चाहते हैं, सेकंड सफिक्स के फॉर्म में इसको राइट करना चाहते हैं। सो क्लोरीन का सेकंड सफिक्स नेम इज व्हाट, क्लोराइड। तो क्या हो जाएगा, क्लोराइड। तो दोनों नाम में क्या फर्क मिला, अगर पहले लिखा था नाम क्लोरो था, बाद में लिखा तो क्लोरो।